पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में फतह करने के लिए बीजेपी हर दांव आजमाने में जुटी है, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बंगाल में कई रैलियों को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने बीजेपी की परिवर्तन रैली की अगुवाई की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रैली के दौरान मीडिया से बात की और बोले कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। टीएमसी ने यहाँ हिंसा, भ्रष्टाचार, कटमनी, अत्याचार, अन्याय और विशेषकर केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं दिया। साथ ही उन्होंने टीएमसी के अक्षरों को अपने अंदाज में परिभाषित भी कर दिया। सीएम के मुताबिक टी से तोड़ो, एम से मारो और सी से काटो बता दिया। उन्होंने दावा किया कि 2 मई को दीदी जा रही है, भाजपा आ रही है। आप भी सुनिए सीएम ने क्या कहा। बड़ा ब्रिगेड रैली का आयोजन किया, उसमें आप आए भाजपा की तरफ से एक हाई वोल्टेज प्रचार के लिए। पश्चिम बंगाल में 8 वर्ग के चुनाव है, आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले तो मैं काली मैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ के दर्शन करके जीवन धन्य हो गया है। काली मैया की कृपा पर बनी रही है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। टीएमसी की हिंसा, भ्रष्टाचार, कटमनी, अत्याचार, अन्याय और विशेषकर केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं दिया। ममता दीदी से हम पूछना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसान भाई बहनों को 6,000 मिल जाते तो ममता दीदी का क्या बिगड़ जाता। आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल लेती है ममता दीदी। यहाँ के गरीब भाई और बहनों को राशन का पैसा भी राशन जो गरीब जनता के लिए आता है वो राशन भी टीएमसी के लोग हड़प कर जाते हैं। आपदा के लिए त्रिपाल आए तो त्रिपाल खा जाते हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोल बोला है और पूरे बंगाल को जो वास्तव में सबसे पवित्र भूमि है हमारे देश की, यहाँ चिंतक, विचारक, दार्शनिक, क्रांतिवीर इस पश्चिम बंगाल की धरती पर जितने हुए, इस धरती के प्रति हृदय श्रद्धा से सचमुच में भर जाता है। लेकिन उसको हिंसा की आग में झोंक दिया है टीएमसी ने। पहले बर्बाद किया कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने और बाद में तबाह किया टीएमसी ने। और इसलिए इस समय मैं देख रहा हूँ परिवर्तन की लहर पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। टीएमसी का तो नाम हो गया है तोड़ो, मारो, काटो। रैली की गाड़ियां तोड़ी जा रही, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। 130 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी के, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और 2 मई दीदी गई, भाजपा आई। आपको बता दें कि बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 2 मई को परिणाम घोषित होंगे और पार्टियां वोटरों को अपने पाले में करने के लिए जीतोड़ प्रचार कर रही हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री प्रचार कर रहे हैं। एमपी से कैलाश विजयवर्गीय ने पूरा मोर्चा तो संभाल ही रखा है, साथ ही अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी वहां पहुंचकर बीजेपी के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।